गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट, मैं रिदुल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबके अपने परिवार आई कुमार जीत पर, जहाँ हम करेंगे जीत की शुरुआत आई कुमार जीत के साथ। गुड इवनिंग आर्यन नेगी, सभी को गुड इवनिंग जानवी, कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग। अजय प्रभाकर गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजय जी, आप कैसे हैं आप बताइए। फ्रेंड्स जल्दी से अपना काम कर दीजिए, इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, जिसके साथ भी आप अपनी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, तो जल्दी से कीजिए और क्लास में जल्दी से आ जाइए, अटेंड कीजिए आज की क्लास को। गुड इवनिंग अनन्या, हेलो जेके, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। तो फ्रेंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सबसे मेन बात अपनी स्टडी कंटिन्यू किए होंगे, स्टडी लगातार कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जल्दी कीजिए फ्रेंड, शेयर कर दीजिए इस सेशन को, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। प्रवीण जी हाय, इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लास स्टार्ट करो, इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट होंगी, हिंदी की भी चलेंगी, अभी फिलहाल आप साइंस पढ़िए। चलिए जल्दी से आइए क्लास में, फिर हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। चलिए तो आप लोग आ गए होंगे, आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फ्रेंड्स कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन क्या होता है, यानी कि जैव विकास क्या होता है, तो उसके ही बारे में जो प्रमाण रह गए थे आज वो सारे प्रमाण हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जिस भी स्टूडेंट ने उत्तराखंड वन इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है, जो कि जुलाई में हो सकता है या जुलाई के बाद आगे अगस्त में भी हो सकता है, अभी डेट फिक्स नहीं है, तो जिस भी स्टूडेंट को वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आप हमारे वन रक्षक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी बहुत सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये व्हाट्सएप नंबर जो दिए गए हैं इस पर ज्वाइन वन दरोगा लिखकर सेंड कर दीजिए, ताकि आप इसमें एडमिशन ले पाएं, ज्वाइन कर पाएं इस बैच को। चलिए तो आपको पता होगा इस बैच के बारे में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिसको आना होगा वो आ जाएंगे बीच क्लास में, और जिसको पढ़ना है वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने बताया था सबसे पहले कि जैव विकास क्या होता है, यानी कि इवोल्यूशन क्या होता है, तो बताइए क्या होता है इवोल्यूशन। गुड इवनिंग ऋतु सिंह यादव, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जैव विकास के जनक यानी कि इवोल्यूशन के फादर चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि निम्न कोटि के जीवों का जटिल कोटि के जीवों में बदलना जैव विकास कहलाता है। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, उनसे आज के ज़माने का ह्यूमन बींग्स बनना, पेड़ पौधे बनना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना जैव विकास कहलाता है। फ्रेंड्स इस जैव विकास में जो डार्विन ने हाईलाइट किया वो किया था प्राकृतिक चयन को, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन को। कई सारे वातावरण में परिवर्तन होने के कारण हम अपनी बॉडी को कैसे ढाल लेते हैं, कैसे अडेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन को अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना वायरस यानी कि कोविड,
फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सर्वेंद्र कुमार जन्मदाता डार्विन थे, वेरी गुड। जय विकास के जो जनक थे, जन्मदाता थे, फादर थे, वो थे चार्ल्स डार्विन। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन के फादर कौन थे, चार्ल्स डार्विन। तो अगर हम कोरोना का एग्जाम्पल लेकर समझें प्राकृतिक चयन को, तो क्या होता है फ्रेंड्स, आज के टाइम पर जिस भी मनुष्य के पास, जिस भी इंसान के पास इम्यूनिटी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो आगे जीवित रह सकता है, इस वायरस से लड़ सकता है। लेकिन जिसके पास अगर इम्यूनिटी नहीं है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, वो इस वायरस से हार जाता है और उसकी आज डेथ हो रही है। हम साफ देख सकते हैं कि कौन आगे बढ़ पा रहा है और कौन ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, पुराने वातावरण में इतने सारे चेंजेस आए जिसके कारण बहुत से जीव नष्ट हो गए, वो नहीं ढाल पाए अपने आप को, और कुछ जीव अपने आप में परिवर्तन कर लिया, इन्होंने अपने शरीर को इस तरह से ढाल लिया और आगे बढ़ गए, नई जीवों की उत्पत्ति की। इस क्रिया को कहा जैव विकास, यानी कि इवोल्यूशन। इसके फादर थे चार्ल्स डार्विन। तो चलिए, हमने इवोल्यूशन समझा। अब इवोल्यूशन को कैसे, मतलब जैव विकास हुआ, इसके कुछ प्रमाण आए, कुछ सबूत आए, एविडेंसेस आए। तो एविडेंसेस में मैंने कल आपको बताया था फॉसिल्स से जो एविडेंसेस आते हैं, यानी कि जीवाश्म से क्या प्रमाण आते हैं, वो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, यानी कि जीवाश्म क्या होते हैं। कोरोना भी अपनी स्टेज चेंज कर रहा है, क्या ये भी इवोल्यूशन है मैम? बिल्कुल इवोल्यूशन है। अगर हमारे बॉडी में जैसे जैसे परिवर्तन आते जाएंगे, हम नई तरह के जीवों का निर्माण करते जाएंगे, ये भी एक इवोल्यूशन है। और फ्रेंड्स, इवोल्यूशन कोई एक छोटा सा टाइम पीरियड में नहीं होता है, यानी कि कल मनुष्य की पूंछ थी, आज अचानक गायब हो गई, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इवोल्यूशन एक वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड का प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है, कई करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं इवोल्यूशन होने में, यानी कि जैव विकास होने में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली सेल का निर्माण आज से 2 बिलियन वर्ष, यानी कि 2 अरब वर्ष पहले हुआ। उसके बाद जो पहले मानव का विकास हुआ, वो करीब आज से 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ, यानी कि करीब 199 करोड़ वर्ष बैक्टीरिया से हम मानव बन पाए, इतना टाइम लग जाता है जैव विकास होने में, इवोल्यूशन होने में। तो बिल्कुल कोरोना भी अगर अपने आप में चेंजेस करेगा, तो वो भी इवोल्यूशन का ही एक एग्जांपल है। और ये चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, वातावरण में कई सारे परिवर्तन के द्वारा हमारी बॉडी में परिवर्तन होना। तो उसमें प्रमाण की ओर चलते हैं, सबसे पहले फॉसिल्स की तरफ। फॉसिल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जीवाश्म, आइए बताऊं, व्हाट आर फॉसिल्स। कई हजारों लाखों वर्षों पहले जो पुराने जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उनका चट्टानों में दब जाने से जो शरीर का अवशेष आज के टाइम में मिलता है, वो कहलाता है फॉसिल। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी वीडियो बीच में रुक गई, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे शुरुआत करते हैं फॉसिल्स की। जो फॉसिल्स मैंने बताए थे, जो कई सालों वर्षों पहले जीवों का चट्टानों में दब जाने के कारण उनके शरीर के जो अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि हड्डियां मिलती हैं, सांचों में दबे हुए उनके हमको जो शरीर के ढांचे मिलते हैं, हड्डियों के ढांचे मिलते हैं, उनके पादचिन्ह मिलते हैं, यानी कि पैरों के चिन्ह मिलते हैं, वो सारे अवशेष कहलाते हैं फॉसिल्स, जीवाश्म कहलाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या होती है, यानी कि जीवाश्म का विज्ञान क्या कहलाता है। तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं पैलियोन्टोलॉजी। ये एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म विज्ञान। इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि जीवाश्मों की हम एज कैसे नापते हैं, यानी कि हम उसका कैसे पता करते हैं कितनी आयु का ये जीवाश्म है। तो इसके लिए एक मेथड होता है रेडियो एक्टिव कार्बन 14, सेकंड मेथड होता है यूरेनियम सीशा मेथड। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम जीवाश्म की एज का पता लगा लेते हैं। ऑल राइट, तो ये थे जीवाश्म। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे जीवाश्म हमको प्राप्त हुए हैं जो कि आज के टाइम पर किसी भी जीव के नहीं हैं, मतलब उन्हें कह सकते हैं कि विलुप्त प्राणियों के जीवाश्म। अगर हम विलुप्त प्राणियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले कौन सा विलुप्त प्राणी आपको माइंड में आएगा, कौन सा विलुप्त प्राणी आप बताएंगे, बताइए सबसे पहले। ऐसा कौन सा जीव है जो आज के टाइम पर नहीं पाया जाता लेकिन उसके अवशेष पाए जाते हैं, मतलब उसकी प्रेजेंस पहले थी पर आज नहीं है। सबसे पहले अगर हम सोचते हैं तो वो डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं, यानी कि डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है ऐसा हम जानते हैं। बिल्कुल सही अनन्या, डायनासोर्स। तो फ्रेंड्स डायनासोर्स के हमको कुछ इस तरह से बड़े बड़े हड्डियों के ढांचे मिलते हैं, यानी कि बहुत बड़ा आकार का एक जीवाश्म मिलता है जिससे हम लगभग इमेज कर लेते हैं कि हाँ पहले के ज़माने में कुछ बड़े आकार के जीव जंतु रहे होंगे, बहुत ही बड़े आकार के, जो कि अपने शरीर को ढाल नहीं सके, उनको भोजन की कमी हुई, बड़ी बॉडी के लिए ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होगी तो इतना भोजन फिर कम होता गया, स्कार्सिटी हुई, जीव संख्या बढ़ी तो भोजन की कमी हुई, इस कारण उनकी विलुप्ति हो गई, मतलब वो गायब हो गए। फ्रेंड्स डायनासोर्स का मतलब एक कोई पर्टिकुलर जंतु के नाम से नहीं है, डायनासोर्स का मीन्स बताते हैं वैज्ञानिक एक बड़ी भयानक छिपकली यानी कि डेंजरस लिजार्ड। ये डायनासोर रेप्टाइल वंश का था, यानी कि सरीसृप वंश का था, जो कि कई सारे आकार के होते थे। हम नहीं कह सकते कि डायनासोर बहुत बड़े थे, वो मानव से छोटे भी थे और वो मानव से बहुत बड़े भी थे। कुछ डायनासोर्स उड़ सकते थे, कुछ डायनासोर्स रेंग सकते थे, जो कि मगरमच्छ आज पाया जाता है वो भी डायनासोर्स की फैमिली का था, वो भी रेप्टाइल्स का था। उसने अपने शरीर को ढाल लिया, कैसे ढाला फ्रेंड्स? मगरमच्छ ने क्या किया, अगर उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था बॉडी का तो वो पानी में घुस जाता था, अगर वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल था तो वो आकर धूप सेक लेता था, यानी कि वो धरती पर आ जाता था। इसका इस तरह से उसने कुछ चेंजेस किए और वो आज के भी टाइम पर पाया जाता है। लेकिन कुछ ब्रैंकियोसॉरस हुए, टायरानोसॉरस हुए, ये डायनासोर्स विलुप्त हो गए यानी कि ख़त्म हो गए, इनकी बॉडी इतनी बड़ी थी कि आगे नहीं चल पाई। तो इस तरह से कुछ डायनासोर्स होते हैं, पहले टाइम पर थे, उनके जीवाश्म आज पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा डायनासोर फैमिली का जंतु है, रेप्टाइल्स का जंतु है, जो आज के टाइम पर पाया जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा डायनासोर फैमिली का मेंबर है जो आज के टाइम पर भी पाया जाता है। क्या बताया अभी मैंने? हाँ अनन्या, आपने जुरासिक पार्क मूवी में देखा होगा डायनासोर्स, जो डायनासोर ये वाला दिखाया गया था, मतलब हम नहीं कह सकते कि जो हमने देखा वही डायनासोर पहले एक्चुअली में हो सकता है, बस हमने इमेजिन कर लिया उसकी शेप को देखते हुए, जीवाश्म की शेप को देखते हुए कि इतने बड़ा आकार का कोई जंतु हो सकता था। तो बस ये एक इमेजिनरी जंतु है जिसको हमने कल्पना किया है, मान लिया है। एक डायनासोर फैमिली का मेंबर था आर्कियोप्टेरिक्स, जिसके फ्रेंड्स पंख थे और वो उड़ता था, यानी कि उसमें पक्षियों के भी
और रेप्टाइल्स के भी गुण थे। रेप्टाइल्स की भांति उसमें दांतों का सेट पाया जाता था, यानी कि टीथ पाए जाते थे, और पक्षियों की भांति उसमें फेदर्स पाए जाते थे, यानी कि पंख पाए जाते थे, चोंच पाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, आर्कियोप्टेरिक्स से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे एक क्वेश्चन बनता है। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर बताइए। जी प्रीति जी, बिल्कुल सही, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, बिल्कुल सही बताया सुनील जी। ओके अनन्या, मूवी में सारे क्रोकोडाइल दिखाए होंगे, क्योंकि सारे डायनासोर दिखाए थे क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्योंकि वो सारे विलुप्त हो गए, वे सारे खत्म हो गए, और वो सब इमेजिनरी थे, हम लोगों ने नहीं देखे, बस जीवाश्म के तौर पर हमने इमेजिन कर लिए। तो मगरमच्छ ऐसा प्राणी है जो डायनासोर फैमिली का था, लेकिन आज भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स आर्कियोप्टेरिक्स से, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक डायनासोर फैमिली का जंतु था, जिसको आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। इसकी क्या विशेषता थी, ये एग्जाम में क्यों आता है, वो सुनिए। हाँ रितु सिंह यादव, बिल्कुल ठीक है, मगरमच्छ। फ्रेंड्स, आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ ऐसे लक्षण देखे गए जो कि रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण रखता था। उसकी चोंच के अंदर दांत पाए जाते थे, तो वो सरीसृप का उदाहरण हुआ, और उसमें पंख पाए जाते थे, यानी कि वो उड़ता था, उसमें क्लो पाया जाता था, पंजे पाए जाते थे, जो कि एक पक्षी का उदाहरण है। इस कारण आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच का संयोजी कड़ी कहा गया, कनेक्टिव लिंक कहा गया। इस तरह के कुछ जीवाश्म हमको मिले थे, ताकि हमने अनुमान लगाया और एक इमेजिनरी इमेज बना ली कि हाँ, इस तरह का एक कुछ पक्षी रहा होगा जो आधा पक्षी और आधा रेप्टाइल था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो हमने क्या बताया, ये एक कनेक्टिव लिंक है, यानी कि संयोजी कड़ी है, किसके बीच की, रेप्टाइल्स के बीच की और बर्ड्स के बीच की। कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप एंड बर्ड्स मतलब पक्षी, जिसमें दोनों के लक्षण पाए गए, यानी कि संयोजी कड़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको यहाँ से याद करना है, लर्न करना है। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स यानी कि इस जंतु को इनके बीच की कड़ी कहा गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फॉसिल से। इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, कल कोई लाइव में कमेंट आई थी, मैंने बाद में देखी थी, उसमें कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि मैम, जीवाश्म की एज कैसे पता लगाते हैं, उस मेथड का क्या नाम है, और फिर उसने वेट नहीं किया, उसका नाम मुझको याद नहीं है, वो तुरंत पूछता गया, बताइए मैम क्या हुआ मैम, यानी कि वो इस तरह से बोल रहा था जैसे कि वो टेस्ट ले रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, उस टॉपिक में मैंने उस वर्ड को अगर ना बोला हो, तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक के ख़त्म होते ही मैं आपके सारे डाउट पूछती हूँ, आप तब पूछ सकते हैं कि मैम ये क्या था या वो क्या था। ये अच्छी बात है कि आपको क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन आप थोड़ा वेट कीजिए, उस टॉपिक में वो वर्ड अगर नहीं आता, मैं अगर नहीं उसको डिस्क्राइब करती, तो आप पूछ सकते थे, लेकिन आप कुछ इस तरह से कर रहे थे कि बताइए मैम क्या हुआ मैम,
मतलब आप मेरा टेस्ट ले रहे थे, अच्छी बात है आप टेस्ट लीजिए, आपका पूरा हक है, आप अच्छी टीचर से पढ़िए, लेकिन जब मैं पूछती हूँ कि डाउट क्या है आपका, तब आप पूछ सकते हैं। जबकि मैंने उसके 2 मिनट बाद ही, जब वो आया था यानी कि वो पॉइंट आया था, तो मैंने खुद से ही बता दिया था आपके बिना कमेंट पड़े हुए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सब बताया जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रमाण की शुरुआत करते हैं। जीवाश्म के बाद जो एविडेंस का नया प्रमाण था, यानी कि नया एविडेंस था। अगर कोई डाउट है तो पूछिए मैम। चलिए फ्रेंड, इवोल्यूशन से रिलेटेड एक नया प्रमाण था तुलनात्मक आकारिकी व शरीर रचना से प्रमाण, यानी कि कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये प्रमाण कुछ पॉइंट्स थे, समजात अंग यानी कि होमोलोगस अंग, समरूप या समवर्ती अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि समजात अंग क्या है और समरूप अंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पॉइंट में। तो आइए जानते हैं कि समजात अंग क्या होते हैं, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बॉडी में ऐसे पार्ट होते हैं, यानी कि मनुष्य के कुछ पार्ट या किसी दूसरे जंतु के पार्ट, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, यानी कि जिनकी फॉर्मेशन और एनाटॉमी समान होती है, मूल संरचना समान होती है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और वो दिखते भी भिन्न भिन्न हैं, ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे अंग, ऐसे बॉडी पार्ट जिनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जो दिखते अलग अलग हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति समान होती है, मूल रचना समान होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि मनुष्य का हाथ वेल का यानी कि किसी भी मछली का पंख, चमगादड़ के पंख या किसी भी दूसरे पक्षी के पंख, चीता घोड़े या किसी भी 4 पैर वाले पशु के आगे के पैर, इनमें क्या समानता होती है फ्रेंड्स, कि इनकी उत्पत्ति यानी कि फॉर्मेशन, इनकी एनाटॉमी सेम होती है लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। यानी कि उत्पत्ति में हम क्या बोल सकते हैं कि इन सारे शरीर बॉडी पार्ट की उत्पत्ति पेक्टोरल गर्डल से होती है, यानी कि अंश मेखला से होती है। जैसे हमारे हाथ की उत्पत्ति यहाँ से होती है, इसको अंश मेखला बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, वक्षीय मेखला बोलते हैं। इसी तरह से घोड़े के, चमगादड़ के, मछलियों के ये पंख, हाथ इनके पंख, ये सारे इनकी उत्पत्ति अंश मेखला से होती है लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हम अपने हाथ का प्रयोग कई सारी चीज़ों को पकड़ने में, उठाने में करते हैं, खाने पीने में करते हैं, उसी तरह से कोई भी घोड़ा या फिर चीता अपने आगे वाले पैरों का प्रयोग दौड़ने में करता है, कोई भी मछली अपने पंखों का प्रयोग तैरने में करती है, और चमगादड़ या पक्षी अपने पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं। तो ऐसे अंगों को होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, यानी कि समजात अंग बोलते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि समजात अंग क्या है। क्वेश्चन में आता है, उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑप्शन देते हैं कि समजात अंग कौन से हैं, या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है समजात अंग क्या हैं। नीचे ऑप्शन आता है कार्य में समान या उत्पत्ति में समान, कुछ इस तरह से ऑप्शन, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, उत्पत्ति में समान और कार्य में भिन्न। नेक्स्ट आता है समरूप या समवर्ती अंग। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कर देना कमेंट अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपका तो। नेक्स्ट आता है समवृत्ति या समरूप अंग। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, यानी कि उत्पत्ति में भिन्नता पाई जाती है,
लेकिन जिनका कार्य सेम होता है, जो फंक्शन सेम करते हैं और दिखते भी सेम है, ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप यानी कि समान रूप, जिनका रूप समान है, जो दिखते सेम सेम से हैं, ऐसे अंग समरूप कहलाते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति या कि यानी मूल रचना वो भिन्न होती है, ऐसे अंग कहलाते हैं समरूप अंग। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो बर्ड्स के या फिर किसी इंसेक्ट के हम पंख ले सकते हैं, जो कि दिखने में समान है, कार्य में समान है। मतलब पक्षी अपने पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए करते हैं, कीट यानी कि इंसेक्ट्स अपने पंखों का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति यानी कि रचना वो अलग होती है। कैसे होती है? यानी कि इंसेक्ट के जो पंख होते हैं वो एक काइटिन की बहुत ही महीन झिल्ली से बने होते हैं, और जबकि पक्षियों के पंख होते हैं वो आगे वाले पैरों के बदलाव से बनते हैं, यानी कि जो आगे के पैर रूपांतरित हो गए पंखों में, इस तरह से उनके पंखों का निर्माण होता है। और कीटों के पंख काइटिन की झिल्ली से बने होते हैं, लेकिन दोनों उड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं समरूप अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स। फ्रेंड्स, एनालॉगी यानी कि समरूपता पेड़ों में भी पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है। प्लांट्स में किस तरह से पाई जाती है फ्रेंड्स? अगर हमने देखा होगा कि मटर की बेल में कुछ इस तरह स्प्रिंग की जैसी रचना पाई जाती है, जिनको हम प्रतान बोलते हैं। प्रतान यानी कि टेंड्रिल्स। उसी तरह से चने की बेल में अगर आपने देखा होगा, उसमें भी कुछ स्प्रिंग्स जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन दोनों का काम क्या है फ्रेंड्स? ये टेंड्रिल्स क्या काम करते हैं? इनकी सहायता से ये बेल किसी दीवार पर चढ़ने का काम करती है, यानी कि सहारा लेने का काम करती है। तो टेंड्रिल्स इन दोनों में सेम काम करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, एनाटॉमी अलग अलग होती है। तो समरूपता इस तरह से प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो ये प्रमाण था मॉर्फोलॉजी से या एनाटॉमी से, समजात अंग और समवृत्ति अंग। जिन अंगों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है वो समरूप अंग कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति सेम होती है वे समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमाण नंबर थर्ड, अवशेषी अंगों से प्रमाण। फ्रेंड्स, ये प्रमाण हम लोग जैव विकास के पढ़ रहे हैं, यानी कि इन प्रमाण के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वज जो कि पहले के जीव होंगे, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए होंगे, तब जाके एक नए जीव का निर्माण हुआ होगा। ये प्रमाण हमको बताते हैं जैव विकास के बारे में। तो नंबर थर्ड है अवशेषी अंगों से प्रमाण, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स से प्रमाण। वेस्टिजियल ऑर्गन्स से प्रमाण। अवशेषी अंग क्या होते हैं फ्रेंड्स? पता है क्या आपको अवशेषी अंग क्या होते हैं? फ्रेंड्स, अवशेषी अंग यानी कि कुछ अंग हमारे शरीर में ऐसे पाए जाते हैं जिनका हम कोई काम नहीं करते, यानी कि जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है आज के टाइम पर, ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब वे अंग जो हमारी बॉडी में पाए तो जाते हैं, लेकिन हम उनका कोई उपयोग नहीं करते। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि वो अंग जरूर हमारे पूर्वजों में भी रहे होंगे और उनका उन्होंने उपयोग किया होगा। धीरे धीरे उपयोग कम करने के कारण वो अंग समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए और छोटे आकार के हो गए। ऐसे अंग कहलाते हैं अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो पहला एग्जाम्पल पूंछ का लेते हैं, यानी कि टेल का लेते हैं। मनुष्य में टेल का एग्जाम्पल एक अवशेषी अंग का उदाहरण है। फ्रेंड्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि कशेरुक प्राणी होते हैं जिनमें मेरुदंड पाई जाती है, उनके स्पाइनल कॉर्ड के एंड में यानी कि मेरुदंड के एंड में एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है, एक बोन पाई जाती है, जिसको टेल बोन कहते हैं। आज भी ये बोन पाई जाती है फ्रेंड्स, ये समाप्त नहीं हुई है, लेकिन पिछले टाइम पर यहाँ टेल होती थी, यानी कि मनुष्य के भी पूंछ होती थी,
पहले के जमाने में तो हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में इस बोन का विकास था, लेकिन आज वो खत्म हो गया, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, तो एक अवशेषी अंग बन गया। कुछ कुछ नवजात शिशु में फ्रेंड्स एक छोटी सी टेल आज भी पाई जाती है। अगर हमने देखा हो कोई कोई नवजात शिशु बहुत ही माइनर 1% में वो टेल आज भी पाई जाती है। तो पूछ हुआ पहला अवशेषी अंग का उदाहरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स त्वचा पर बाल, यानी कि हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बता रही थी आपको बॉडी हेयर के बारे में, यानी कि बॉडी हेयर कैसे अवशेषी अंग हुए। हेयर का काम होता है शरीर के तापमान को स्थिर करना, लेकिन आज के टाइम पर इन हेयर का कोई यूज़ नहीं रह गया, यानी कि हमारे पूर्वजों में बाल का बहुत उपयोग था और धीरे धीरे बालों की उपयोगिता कम होती गई। हम अपने अगर बॉडी हेयर रिमूव भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक तरह से ये बाल बॉडी के अवशेषी अंगों में शामिल हैं। नेक्स्ट है अकल दाढ़, यानी कि विजडम टूथ। फ्रेंड्स हमने देखा होगा कि 17 से 18 साल होने के बाद हमारी एक जो दाढ़ निकलती है उसको हम कहते हैं विजडम टूथ, यानी कि अकल की दाढ़, जिसको हम अपनी टंग लैंग्वेज में भी कह देते हैं कि अकल की दाढ़ आ गई अब। तो फ्रेंड्स इस दाढ़ का कोई उपयोग नहीं है, किसी किसी मनुष्य में ये निकलती भी नहीं है, इसके होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी कि ये पहले हमारे पूर्वजों में उपयोग में रही होगी पर धीरे धीरे इसका उपयोग खत्म हो गया, आज के टाइम पे कोई उपयोग नहीं है, तो ये भी एक अवशेषी अंग मानी जाती है। नेक्स्ट है कर्ण पल्लव की पेशियां, यानी कि ईयर पन्ना मसल्स। ईयर पिन्ना मसल्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? जो हमारे शरीर के अंदर भी पाई जाती है, ह्यूमंस में भी पाई जाती है। कई सारे पशु ऐसे होते हैं जैसे गाय भैंस, ये अपने कानों को हिला लेते हैं, यानी कि जो ये ईयर पिन्ना होते हैं वो इनके हिल जाते हैं कोई भी मक्खी मच्छर को मारने के लिए, या फिर जो भी मान लीजिए उसके यूज के लिए वो इनको हिलाते हैं, तो वो कुछ मसल्स काम करती हैं। हमारे भी ये मसल्स पाई जाती हैं पर हम अपने ईयर पिन्ना को नहीं हिला सकते, इसलिए मनुष्य के अंदर भी ये एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है कृमि रूप परिशेषिका, यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। फ्रेंड्स ये क्या है? ये भी एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में पाया जाता है पर हम इसकी कोई उपयोग नहीं करते। पहले के टाइम पर क्या होता था फ्रेंड्स कि मनुष्य एक शाकाहारी मनुष्य था, वो मतलब पहले के टाइम पर जैसे गाय भैंस बकरी ये सारे शाकाहारी पशु हैं, ये पेड़ पौधों को खाते हैं, तो पेड़ पौधों में फ्रेंड्स सेलुलोज होता है, एक सेलुलोज, उस सेलुलोज के पाचन के लिए जो एक बड़ी आंत में एक अंग होता है, एक पार्ट पाया जाता है, उसको कहते हैं कृमिरूप परिशेषिका। हमारी बॉडी में भी ये पाई जाती है, लेकिन चूंकि हम सर्वाहारी हो गए हैं यानी कि ओमनिवोरस हैं, तो हमारी बॉडी में ये एक अवशेषी अंग मात्र रह गई है, सेलुलोज का उपयोग हम कम करते हैं, डायरेक्ट हम पेड़ पौधे नहीं खाते उबाल के वगैरह वगैरह करके, तो फिर ये एक अवशेषी अंग है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है निमेशक पटल, यानी कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये जो आप आंख देख रहे हैं, हमारी आंख के बिल्कुल किनारे पर जो एक रेड रेड आधे मून जैसी एक संरचना होती है, एक झिल्ली टाइप पाई जाती है, उसको कहते हैं निमेशक पटल। कुछ पशुओं में, कुछ जीव जंतुओं में जैसे बिल्ली वगैरह में ये उपयोग में आई जाती है, लेकिन हमारी बॉडी में इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसको भी हम अवशेषी अंग कहते हैं, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। तो ये कुछ मनुष्य के अवशेषी अंग थे जो एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है, मनुष्य का कौन सा अवशेषी अंग है जिसमें
अगर पूछ दे दिया एग्जाम्पल और दे दिया हाथ आंख पैर, तो आप क्या लगाएंगे? पूछ पर टिक करेंगे, यानी कि पूछ मनुष्य में अवशेषी अंग है। आज भी पूछ कशेरुका पाई जाती है, छोटी सी बोन पाई जाती है। तो हमने ये देखे कुछ प्रमाण जो अवशेषी अंगों से प्राप्त हुए। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ पक्षियों की बात करें, जैसे कि शुतुरमुर्ग हुआ, कीवी हुआ, एमो नामक का पक्षी हुआ, इसमें भी फ्रेंड्स इनमें भी कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे ये शुतुरमुर्ग है, ये है तो पक्षी लेकिन ये उड़ नहीं सकता, मतलब पंखों की प्रेजेंस होने के बाद भी ये उड़ नहीं सकता, ये केवल दौड़ता है। तो इसके पंख भी अवशेषी अंग माने जाते हैं, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, ये कुछ पक्षी हैं जो केवल दौड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते, जबकि इनके पंख पाए जाते हैं। तो ये अवशेषी अंग का उदाहरण है। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रमाण की तरफ। प्रीति जी के दो ही हैं अभी। हाँ, आपके निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, बहुतों के नहीं निकलती। अर्जुन चौहान, उभयचर जीवों में निमेषक पटल पाई जाती है। हाँ, एम्फीबियंस में और कुछ मैमल्स में भी पाई जाती है, हमारे भी पाई जाती है, लेकिन हम इसका कुछ उपयोग नहीं करते, कुछ भी यूज में नहीं है, इसलिए वो अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि वे अंग जो आज हैं लेकिन उनकी कुछ उपयोगिता नहीं है, ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऋतु जी, आप क्या बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पानी माए के अंगर जाने पे एक्टिव होती थी क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रमाण की तरफ, जो कि है तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण, यानी कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से प्रमाण। फ्रेंड्स, अगर हम भ्रूण विज्ञान का अध्ययन करें, अगर हम कुछ पशुओं के भ्रूणों का अध्ययन करें, भ्रूण यानी कि जो गर्भ के अंदर शिशु पल रहा होता है उसको हम भ्रूण कहते हैं, तो उसकी कुछ अगर स्टेजेस यानी कि कुछ अवस्थाएं देखें जो कि मनुष्य में, चूहों में, पिग में, मुर्गियों में, इनके अगर हम भ्रूण की अवस्थाएं देखें तो वो सेम स्टेज से होकर गुजरती हैं, यानी कि सबसे पहले बनता है जायगोट, जायगोट के बाद बनता है मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुला। तो इन सेम स्टेजेस से हम कह सकते हैं कि ये सारे जीव जंतु सेम पूर्वजों से उत्पन्न हुए होंगे, यानी कि एक ही पूर्वज से आज के जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, इन सारे जीवों का निर्माण एक सेम पूर्वज से हुआ। फ्रेंड्स, इसमें एक आते हैं वैज्ञानिक वॉन बेयर। वॉन बेयर ने फ्रेंड्स बताया कि जो जीव जंतु सेम एक ही पूर्वज के अवस्थाओं को दोहराते हैं, यानी कि एक ही अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, इस थ्योरी को बायोजेनेटिक नाम दिया, यानी कि बायोजेनेटिक लॉ दिया। उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि जैसे अगर मनुष्य के हर्ट में सबसे पहले, जैसे मनुष्य का कोई हर्ट बनता है, मनुष्य का कोई शिशु बनता है, तो शिशु में जब हर्ट का निर्माण होता है तो हर्ट में सबसे पहले दो चैम्बर बनते हैं, यानी कि मछलियों के भांति, मछलियों में फिशेस में दो चैम्बर होते हैं, मनुष्य के दो चैम्बर बनने के बाद तीन चैम्बर बनते हैं जो कि रेप्टाइल्स की भांति होते हैं, एंड देन फोर चैम्बर्ड हर्ट मनुष्य का बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने पुराने पूर्वजों की सारी अवस्थाओं को लेते हुए शरीर का निर्माण करता है, जो कि कहलाती है बायोजेनेटिक लॉ, जिसको दिया था वॉन मेयर ने। हम लिख सकते हैं कि वॉन मेयर ने एक बायोजेनेटिक लॉ दिया जिसमें जीव जंतु अपने पूर्वजों की अवस्थाओं को दोहराते हैं। इसी सिद्धांत को सपोर्ट किया अर्नेस्ट हेकल ने, एक नए साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकल ने इसी को सपोर्ट किया और इसको पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा, यानी कि पूर्वजों की अवस्थाओं को दोहराना पुनरावृत्ति सिद्धांत कहलाता है। ये दो साइंटिस्ट आप लोग लिख लीजिए,
नंबर एक वॉन मेयर, वॉन बेयर, जिन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया जिसमें उन्होंने हर्ट के एग्जाम्पल को लेकर समझाया, हर्ट के एग्जाम्पल को लेकर समझाया कि सबसे पहले मनुष्य का हर्ट 2 chambered, फिर 3 chambered एंड देन 4 chambered बन जाता है, यानी कि पूर्वजों की सारी अवस्थाओं को दोहराता है और बायोजेनेटिक लॉ कहलाया। देन अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल ने इसी सिद्धांत की पुष्टि की, इसी को सपोर्ट किया और पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत को एक नई तरह से इन्होंने कहा कि हाँ, इस दोहराने के सिद्धांत को पुनरावृत्ति का सिद्धांत कह सकते हैं। इन दो साइंटिस्ट के नाम लिख लीजिए आप। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? वॉन मेयर ने। एंड पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने। एम्ब्रियोलॉजी की ये कुछ स्टडी के बाद लॉज निकले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जल्दी से लास्ट प्रमाण कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। एविडेंस का सबसे लास्ट प्रमाण पाया जाता है जैव रसायन से प्रमाण, यानी कि बायोकेमिस्ट्री से प्रमाण। ये क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें हम आरएनए, डीएनए इन सब की स्टडी करते हैं वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जैव रसायन। तो इसकी स्टडी करने पर हमने देखा कि कई सारे, यानी कि सभी, ऑलमोस्ट सभी जीवों में राइबोसोम पाया जाता है। ये सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। सारी सेल्स के अंदर, सभी जीवों में, सभी सेल्स के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, ये हमने समानता देखी। नेक्स्ट देखा कि डीएनए सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि अपने लक्षणों को अपनी संतानों में पहुँचाने का काम डीएनए करता है। सारे जीवों में एक ही पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ था। नेक्स्ट था एटीपी, ऊर्जा संग्रह का काम करता है, यानी कि पावर हाउस का काम जो करता है वो एटीपी सभी जीवों में समान होता है। नेक्स्ट था लगभग सभी जीवों में समान 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, यानी कि कुछ अमीनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन, अर्जिनिन, ये कुछ अमीनो एसिड्स सभी जीव जंतुओं में सेम होते हैं, लगभग लगभग 22 पाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रमाण थे फ्रेंड्स, जैव रसायन से प्रमाण, तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण, जीवाश्म से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण, जिसके थ्रू हमने बताया कि जैव विकास सूक्ष्म जीवों से जटिल जीवों में किस तरह से हुआ। इवोल्यूशन को समझाया इन एविडेंसेस से। तो इस तरह हमने देखा कि इवोल्यूशन क्या था और उसके प्रमाण क्या थे। नेक्स्ट जो थ्योरीज आएंगी, यानी कि उनको बिल्कुल सिद्ध करेंगी इवोल्यूशन को, डार्विन और लेमार्क की थ्योरी, वो हम लोग कल अपने चैप्टर में पढ़ेंगे और इस तरह से जीवन की उत्पत्ति चैप्टर खत्म होगा। ऋतु जी बोल रही है मैम, आई इन वो पानी के अंदर जाने पर एक्टिव होती थी, क्या डाउट है? ऋतु जी, जो ये निमेषक पटल पाई जाती है, आज भी पाई जाती है, वो पहले टाइम पर एक्टिवेटेड थी, यानी कि सक्रिय थी, उसका उपयोग था। अब क्या था वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के टाइम पर इसका कोई उपयोग मनुष्य के अंदर नहीं रह गया है। इसको अवशेषी अंग बोल दिया गया है, लेकिन बाकी जीव जंतुओं में, जैसे कि हम बिल्ली में बोल सकते हैं, उसमें ये काम में आती है, यूज में ली जाती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये एक अवशेषी अंग है। और किसी को कोई डाउट? वरना आज के सेशन को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं कल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैप्टर को आगे हम लोग कल बढ़ाएंगे। जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं